4:10 हो रहे हैं और हम निकल गए इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए। पहुंचते हैं वकास भाई को पिक करते हुए, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। ये आ गए हैं हम वकास भाई के महल उनको पिक करने के लिए। अब वो बड़े साहब हमारे आएंगे नीचे, फिर वकास भाई को लेके चलते हैं। ये आ गए हमारे वकास भाई, ये बॉस है हमारे भाई, ये हमारे बॉस है मिराज भाई, ये मिराज है अपना। साइड में रख नजर आएगा, परसों का इतना भाग हुआ था, अभी तो ना रश है, तो ना रश है। ये टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट का है, उम्रे खुले में, उम्रे की वजह से भी है, वैसे भी लोग बड़ा भरपूर है ना, वो कट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है बॉस। वक्त ऐसा है ना बड़े भाई कि आप इतनी रात में निकलेंगे कैसे? अब ऐसे वाला भी डंडा देगा, डंडे डंडे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिलाखिर हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए और यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। और कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं एयरपोर्ट पे, जो आपको कैरी करनी चाहिए, जो हाईलाइट्स होती हैं, वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो चलते हैं बस, फिर थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट का वक्त हो जाएगा, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ये हमारे बॉस हैं, ये वकास भाई। ये हम आ गए हैं मैकडोनल्ड और यहाँ पर दो बेमुरब्बत लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें ज़रा सा भी ख्याल भी नहीं रहा कि एटलीस्ट बंदा पूछ ही ले। बहुत खुश लग रहा है मेरा भाई, खैर तो है ना, कैसा है? क्या बोला तुमने? क्या करते भाई? 2 बजे आने का क्या तो रहा था मैं? मैंने भी से यही बात किया, मीन में कहा है। अबे 2 बजे क्या हो गया? अरे यार 2 बजे तो पागल आदमी। यार एजाज तो लेट हो गया भाई, तुझे खड़ा होकर जाना पड़ेगा। मैंने चटाई लाई है, मैं चटाई बिछा के जाऊंगा। जहाज के बीच में चटाई बिछा के जाएगा। तुम लोगों की बात, वैसे तुम लोग लेट आए, तुम लोगों को जगह अंदर बैठने की नहीं मिलेगी? नहीं, मैं टाइम पे 5:30 बजे यहाँ पे। ये तो लेट के जाएगा, चटाई लेकर आया, तू कैसे जाएगा? मैं वॉशरूम में बैठ टीटी आएगा, फिर क्या करेगा? टीटी आएगा दूसरे वॉशरूम में छुप जाएगा, एक डब्बे से निकल के दूसरे डब्बे में। टिकट नहीं मेरे पास भाई। चलो भाई, बिलाखिर अंदर बोर्डिंग के लिए जाने का वक्त हुआ है, तो अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद आपको फर्दर दिखाते हैं। ये लाइन लगी हुई है, क्यों बनी हुई है? क्यों? और मेरे दोस्त क्या बंद है ना स्क्रीन? स्क्रीन चालू है मेरे दोस्त। यार हमारे एजाज भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें बिस्तर लगा के बैठ के जाएगा। वापसी में इसको स्कर्दू उतार देंगे। मैं घर जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है? मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, तस्वीरें खेल रहे हैं।
फ्लाइट डिले हो गई है भाई 20 मिनट्स। एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से फ्लाइट डिले है भाई। एक पैसेंजर की तबीयत खराब है, वो ऑफलोड होना चाह रहा है और बाकी दूसरे पैसेंजर परेशान हो रहे हैं कि कहीं जहाज तो खराब नहीं है, जहाज तो खराब नहीं है, तू भी उधर जा। भाई ऑफलोड हो गया है वो पैसेंजर जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। दोबारा से कैप्टन साहब आ गए डॉक्यूमेंटेशन करने। 52 मिनट्स फ्लाइट डिले होने के बाद टेक ऑफ करेगी इंशाल्लाह। During loss of cabin pressure, your oxygen mask will drop down automatically in front of you. Put your mask with a chance of covering your nose and mouth then. Oxygen mask will be started and the mask will be stretched to tighten and bend normally. After wearing the mask, only after one year on mask. In case there is smoke in the cabin, follow the lighting cap path along the aisle which will guide you toward the emergency exit. Please read the safety instruction card and place the seat pocket in front of you. There are 8 emergency exits on board, 2 in the rear left hand side, 4 in the center left hand side, 2 in the forward left hand side. Please ensure your window shutters are open before landing and take off. Thank you. फिलहाल तो हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गए और अभी इंशाल्लाह मरी के लिए निकलेंगे। जैसे बाहर निकलेंगे तो गाड़ी वेट कर रही होगी और फिर उसके बाद देखते हैं, आपको रास्ता एंजॉय करवाते हैं। ये हमारे अरसलान भाई हैं, इनकी हालत तो बुरी हो गई है, टेढ़ा मेढ़ा मुँह हो गया बेचारे का। और ये मियाज दीदी बाहर, हम आपसे कनेक्ट रहेंगे आगे, बहुत सारा सफर है इंशाल्लाह के साथ हमने करने है। इंशाल्लाह विल डू टुगेदर। एयरपोर्ट मुदस्सर भाई, क्या हाल चाल है? रास्ते में बहुत ज़्यादा खड्डे आए बस। हाँ किस चीज़ की? हाँ वो तो यार जाहिर सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है यार। देखेंगे वो उसका कहना का बल सकते। चलो मेरे दोस्तों, चलो
वैसे वो आया खूब था, मैं जा रहा हूँ जहाज खराब हो गया। हाँ ना, मैं कह रहा हूँ डर क्यों रहा है, डर क्यों रहा है। अल्लाह ये हमारी दीदी अकेले अकेले खड़ी हुई है, इंतजार कर रही थी बेचारी। दीदी मेरा भी आके ले लो। चलो भाई चलते हैं, लगेज लेके बाहर निकलते हैं, लगेज उठाते हैं अपना। वाह बल दिया, आप टेंशन ना लें, यही था ना बस, ताकि हम भी कंपाइल कर लेंगे। कर दी ना तुमने बीच गरीबों वाली बात, गरीब हो पाकिस्तानी हो, एक दूसरे का कंटेंट चोरी करो। लाहौल वाला कुवत जैसे सबके आ गया भाई। मैं तो पन्नी चढ़ा कर लेकर आया था प्लास्टिक वाली, अगर रास्ते में बारिश हो जाती तो आ गया अपना बैग तो पन्नी वाली आ गया अपना बैग मालिक अपना ये रहा। फिलहाल तो ये अपना हो गया भाई। चलो चलो बॉस, इस एयरपोर्ट की एक ख़ास बात मैंने जो महसूस करी है वो ये, जब भी आओ ये खाली पता नहीं क्यों मिलता है, भरा हुआ नहीं मिलता, पब्लिक है लेकिन वो क्राउड नहीं मिलता है यहाँ पर। आने फ्लाइट इस वजह से एक लेट हुई है। हाँ एक एक लेडी पैसेंजर थी जो बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी फील हो रही थी, जिसकी वजह से एक घंटा पूरी फ्लाइट डिले हो गई है। नहीं, एक घंटा नहीं, तकरीबन कोई एक घंटा दस मिनट। हाँ अराउंड ये ऑलमोस्ट एक घंटा दस मिनट ऐसे ही डिले हुई है उस पैसेंजर की वजह से। अच्छा एक मज़े की बात, एक घंटा डिले हुई वो पहुंच भी जाती है अभी वो वहाँ पर एफआई है। हाँ ऐसे वालों के पास बैठी भी होगी, वो इंटरव्यू उसका चल रहा होगा, भाई आप क्यों उतरी हो, घर नहीं जा सकती होगी इतनी जल्दी। वो मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, और मजीद बिठा के रखें। हाँ वो जाहिर सी बात है, वो जो प्रोटोकॉल है, लेकिन रंजीत वैक से जो मुलाकात हुई है ना, वो दिल खुश कर दिया उसने, एक सराज उलक और एक गंजी स्वाइक, बिल्कुल जो है ना दिल खुश कर दिया। हाँ, क्लियर आ रहे हो। अच्छा हाँ तो अब बारे में खैर, अब चलो खैर एक बंदे को मिस कर दिया। फैमिली जो है वो पहुंच गए तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह दो घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, अब भूरबंद का फिर आपको ट्रिप दिखाते हैं। बिल्कुल दिखा रहा है, नाबीना आदमी इधर देखना जरा। जी अमीन भाई, इस आदमी को गौर से देखो, कैसा लग रहा है, हीरो लग रहा है, हीरो तमिल फिल्म का। हम इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, हमारे खल्ली बल्ली भाई भी पहुंचे हुए हैं। मजेदार नहीं है यार, वेलकम टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की हवाएं आपको सलाम कहती है, जमागड़ा दिखाना, पकपल दिखाना, उस्तंबल दिखाना।